तो ये वाला व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ इस क्लिप से। ये क्लिप कुछ दिन पहले की है, मैं रिहर्सल से आया था और इसको मैं अपनी गोद में सुला रहा था। ऐसे रूहान खेलता है मेरे पास, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने इसको सुलाया, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो। क्या हो गया? हैप्पी सिक्स मंथ रूहान के। क्या देख रही हो? ये पहली बार इसको घर पे दवाई पिला रहे थे। सबा के घर पे थे ना, तो एनआईसीयू में रोज सिस्टर्स पिलाया करती थी। वार्ड में ये इससे पिलाते थे बोंदला से। तो पहली बार घर पे उसे मेरे मिल्क में, आप शूट पे थे तो आपको भेज रही थी ये वीडियो। हाँ, याद है मुझे। सो रहा है माशाल्लाह भी। पाइनएप्पल लीजिए ना, पाइनएप्पल बेटर रहेगा। चॉकलेट कोई बहुत कोई मेजी देख लो चॉकलेट में। सिक्स मंथ्स ऑफ मदरहुड। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी आपने देखा कि मैंने केक लिया है, और मैंने केक जो है वो दीपिका के लिए लिया है। सिक्स मंथ्स ऑफ मदरहुड उसमें लिखवाया है, क्योंकि रूहान के लिए केक जो है वो आ रहा है। आज 21st है, रूहान अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का हो गया है। रूहान के लिए केक एज यूजुअल रिंकू जो है वो भेज रही है। आपको पता है कि इस तरीके से हम हर महीने सेलिब्रेट नहीं करते, बस 6 महीने तो थोड़ा सा छोटा सा एक सेलिब्रेशन सब साथ में, एक छोटा सा केक कट करेंगे। मैंने स्पेशली दीपिका के लिए लिया है, क्योंकि हम सब, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को ध्यान देते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं कि भाई उसका 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, लेकिन हम उसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लेडी के लिए भी ज़िंदगी उसकी पूरी बदल जाती है। इसलिए मैंने स्पेशली केक दीपिका के लिए लिया है कि 6 मंथ्स ऑफ मदरहुड। बाकी बातें हम और बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस मैं अभी घर पहुंचने वाला हूं। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 7 बजे मैं निकला था, लेकिन अभी 8:30 होने वाला है, मैं पहुंचूंगा। ये अभी चलते हैं घर। ये देखिए, आजकल ऐसे खाना खाती हैं क्योंकि रूहान अभी छोड़ता नहीं है तुम्हें ना। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसके साथ में ही रहता है, वैसे ही सोता है, गोद में ही सोता है, बेड पर नहीं सोता। क्या? ये मुझसे बोल रही है, रिंकू केक भेज रही है। आपके ये मैंने देखा नहीं, मैंने यही देखा कि ये भेज रहा है। अगो देखो 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 ये भी तो आप ही है, ये भी आप है। क्या हो रहा है बोलो? हाफ ईयर कंप्लीट हो गया। रूहान, हे 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 रूहान, ह
ले रोहन पकड़ इसको इधर इधर वेरी गुड बॉय लेट्स गो नहीं अभी खा नहीं सकते आप नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो हम खाएंगे चलो हम खाएंगे आप इधर से हम खाएंगे सबसे पहले बुआ ने इतनी प्यार से बनाया वो खाएंगे उसके अंदर ने लेयर लगाई दे दी टेस्टी रोहन मम्मा को पसंद आया वाह बहुत अच्छा बना है जब आप खाने लगोगे ये लो सुन लो जब आप खाने लगोगे तो आपके लिए बनवाएंगे ठीक है क्या हाँ अच्छा जाओ जाओ ये ब्लैक देख रहा है क्या देख रहा है शाइन ब्लैक देख रहा है शाइन शाइन देख रहा है टोपी लगाए हैं हाँ हाँ टोपी लगाए रोहन टोपी लगाए तो आज रोहन को पहली बार एक्सटर्नल मील यानी सॉलिड मील दे रहे हैं एप्पल को मैश करके उसका जूस टाइप का बना के क्योंकि 6 मंथ का हो गया है अब उसकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी दवाई जैसे खा थोड़ा सीधा बिठाना पड़ेगा रुहान क्या खा रहे बेटा हाँ पसंद आ रहा है इसको इधर इधर हाँ इधर सोचता होगा सानू की दवाई कैसी है खुद ही पकड़ना है इसको खाना है इसको हाँ हाँ ये ये हाँ ये ये हाँ ये अरे इधर 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 इसको अरे उनको देख ले जल्दी जल्दी
ट्रॉफी अच्छा लग रहा है। हाँ मजा आ रहा है। पर इतना अच्छा है कि ये सब कुछ ना ले लेते हैं चम्मच। अच्छा है। हे गाइस, तो देखा जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं 21st को जो है वो दीपिका के लिए भी केक लेके आया था, 6 months ऑफ मदरहुड। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा था कि रोहान के आने के बाद सारी चीज़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई ना कि कब वक्त मिलता है कब नहीं मिलता। तो उस वक्त रात में लेट हो गया, फिर रोहान के सोने का टाइम हो गया, फिर वो रोने लगा, फिर रोता है तो फिर हम नहीं बात कर सकते, वो सो रहा था तो वो केक कट नहीं हो पाया। तो अभी आज मैं रिहर्सल पर जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने सोचा कि जो हमारा छोटा सा वो है दीपिका को, तो हम वो करते हुए जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो। हाँ रोहान खाया है। रोहान हाँ अम्मी केक कट करेगी है, है? है? आओ करो ये। देखो रोहान में केक खा। मुबारक हो तुम्हें भी। तो ये था स्पेशली फॉर दीपिका कि एक जनरल चीज, जिस तरीके से जब जब भी बेबी होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबका ध्यान उसकी तरफ होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं 1 month 2 month 3 6 साल 1 साल हो जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ लाइक जो मदर है, लाइक मैं दीपिका की बात करूँ क्योंकि मैं उसको देखते हुए आ रहा हूँ, तो उसकी भी लाइफ ना पूरी चेंज हुई। सबसे पहले तो एक लेडी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी एक किस्म से एक नया जन्म होता है, क्योंकि अपनी बॉडी से एक जान को यू नो जन्म देना वो एक इजी नहीं है। खुदा ने ऐसी कुदरत बनाई है कि मतलब बहुत ज़्यादा कैसा क्या समझ में नहीं आता अब तक। 9 महीने अपने एक जान को अपने यू नो वोम में लिए रहना एंड देन उसके बाद उसको पैदा करना, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो, बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। उसके बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद जब इंसान धीरे धीरे ठीक होता है, जितना मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब एक लेडी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। किस तरीके से वो एक यू नो फिजिकल चेंजेस से गुजरती है, बॉडी चेंजेस से गुजरती है, मेंटल चेंजेस से गुजरती है, एंड देन उसके बाद उसका वक्त उसका रहता ही नहीं है। मतलब मैं जितना देखता हूँ, और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि दीपिका ही एक अकेली माँ थोड़ी है, मैं मानता हूँ कि दीपिका एक अकेली माँ नहीं है, लेकिन दुनिया में हर एक माँ अपने आप में बहुत अनोखी है और अपने आप में बहुत मतलब एक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ज़रूरी है यार, ज़रूरी है। कि मैं अभी तक मुझे शायद इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था जब तक आप देखते नहीं हो सकता है कि अभी तक आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी हो या आपने किसी को आसपास देखा नहीं हो। मैं देख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, लाइक अभी दीपिका अगर देखा है तो पूरा दिन उसका जो है वो रूहान के में गुजरता है, रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक कि किस तरीके से वो ठीक है, वो रो रहा है, उसकी नाक ब्लॉक हो गई है, अच्छा उसने फीड लिया कि नहीं लिया, अच्छा अभी नहलाना है, अभी मालिश करनी है, अरे डायपर चेंज करना है, कपड़े चेंज करना है, फिर वो सो गया, फिर वो उड़ गया, फिर फीड चाहिए, एक लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। हम मेल कितना भी कोशिश कर लें, हम हाँ जैसे मैंने बोला हम मेल कितना भी कोशिश कर ले, वो भी बोला हम आदमी लोग कितना भी कोशिश कर लेना, हम उस दौर से गुजर ही नहीं सकते, हम उस चेंजेस से नहीं गुजर सकते। हम अपना काम करते हैं, हम अपना यू नो निकल जाते हैं बाहर, चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत मुश्किल है एक हाउसवाइफ के लिए, और भले ही चाहे वो एक वर्किंग लेडी हो उसके लिए भी, क्योंकि एक अपने बेबी को छोड़ के भी जाना बाहर बहुत मुश्किल क्योंकि अभी अभी जैसे मैं अगर मान लो मैं अभी झलक के रिहर्सल पर निकल जाता हूँ, तो एक जहन ना हमेशा रहता है कि दीपिका ठीक है, रूहान रो तो नहीं रहा, उसको कुछ है तो नहीं, अभी उसको 2 दिन थोड़ा सर्दी हो गई थी, ब्लॉक हो गया था नोज, तो हर 5-5-10 मिनट में दीपिका ठीक है, रूहान रो तो नहीं रहा, चीज़ है ऐसा वैसा। तो यस कि हमें बच्चे को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, सभी करते हैं, लेकिन माँ को भी नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी भी उतनी ही यू नो वैल्यू है जिस हिसाब से वो एक दौर से गुजरती है। तो यस, अगर अभी तक आपने अप्रिशिएट नहीं किया है उनको तो प्लीज़ करिए, और दुनिया में हर माँ एक अनोखी ही है, मेरी दीपिका भी अनोखी है, और हर एक लेडी दुनिया में अपने आप में एक पावरफुल एक अनोखी है। यस, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखें, उनको अप्रिशिएट करें, और
तुम कुछ कहना चाहोगी? बस कुछ नहीं, आपने सब बोल दिया. एंड जेन्युइनली जैसे मेरी हालत देखो, मेरी वो एग्जैक्टली वही जो हम बात कर रहे हैं. जैसे कि शोएब ने कहा कि अप्रिशिएट करें और उन्हें सपोर्ट करें. लाइक यू नो, झलक जब से शुरू हुआ है शोएब फिजिकली नहीं रह पाते, बट ही इज ऑलवेज देयर. एंड हस्बैंड का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा. एक वो इमोशनल मेंटल सपोर्ट, यू वर्किंग. आजकल की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, हो सकता है दोनों पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत पड़ रही हो सकता है अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो हस्बैंड बिजी हो, जैसे अभी शोएब इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं. लेकिन एक वो मेंटली तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रह सकते हैं. तो मैं सभी कपल्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यू नो द हस्बैंड्स नीड टू टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू टेक केयर ऑफ द वाइफ, टू मेक हर फील कि आई नो. Even if you don't know, like, कई बार मैं ना शो ऐसे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, परेशान होकर शो के सामने जो मैं थक गई हूँ, मैं ये मैं हाँ हाँ हाँ, और वो हाँ 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 बोल रहे हैं. मुझे पता है कि उनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पर वो एक पूरी सिंपति के साथ मुझे हाँ 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 बोल रहे हैं. और वो कुछ ऐसे कर रहे हैं कि अच्छा मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो उनको जितना उनकी समझ है उस हिसाब से. इट्स जस्ट दैट जेस्चर टू से कि आई एम देयर, यू नो, एंड आई नो. I know it's difficult for you. It's just that. So, बस यही है. जैसे कि शोएब ने कहा कि celebrate motherhood. Yes. बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है. And thank you so much. और आप लोग भी प्लीज इसी तरह अपनी वाइफ्स का, अपनी सिस्टर्स का, अपनी मदर्स का सबका ध्यान रखिए प्लीज. यस, सबका ध्यान रखिए. और मैं चलता हूँ अभी रिहर्सल के लिए. All the best. All the best, papa. And हाँ, और आज सैटरडे है, इसकी है पूरी नियत के हैं. ए रोहन, आज सैटरडे है तो आज जो है शाम को मेरा परफॉर्मेंस जो है वो आने वाला है. एंड आप वो परफॉर्मेंस देखिएगा, इस बार वेडिंग स्पेशल है और सरप्राइज तो है ही आप सबके लिए. उसमें मैं भी सरप्राइज हो गया था उसमें यार, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में. तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में. तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी हो करिए, सही चीज़ के लिए चीज़ नहीं. पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, मतलब बिलाइए, हंसी मजाक कीजिए. और आज रात में 9:30 बजे झलक दिखला जा देखिएगा. और प्लीज़ 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 वोट भी करिएगा. 9:30 बजे से रात 12 बजे तक ही वोट आप कर सकते हैं मुझे, और सिर्फ आज कर सकते हैं, कल नहीं, क्योंकि आज मेरा परफॉर्मेंस आने वाला है. तो प्लीज़ 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 वोट कीजिएगा. लव यू गाइस. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.